नमस्कार ओम शांति कवि और उसकी कृति के कार्यक्रम में मित्रों आपका स्वागत है पिछली कड़ी में यशपाल शर्मा जी की किताब चिराग में से ली गई चमत्कारी मानव के बारे में हम बात कर रहे थे उसमें बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो हम आदिकाल से नहीं समझते आ रहे थे लेकिन यशपाल शर्मा जी ने हमें कुछ विस्तार पूर्वक उन्हें समझाने की कोशिश की अभी भी उसको जारी करेंगे मैं आपका आप मेरे मेहमान का स्वागत करेंगे यशपाल शर्मा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में धन्यवाद आपकी किताब चिराग में से चमत्कारी मानव वैज्ञानिक हम के बारे में बात कर रहे थे जो आदि अधूरी अभी है आप कैसे इतना अनुभव प्राप्त करते हैं इतिहास के बारे में देखिए मैं साहित्यकार हूँ मैं जी मैं सिर्फ कविताएं ही नहीं पढ़ता मैं नॉवलिस्ट हूँ जी और मुझे आज तक जितने भी यूनिवर्सिटी लेवल पे भाषा विभाग पंजाब की तरफ से या मानव संसाधन मंत्रालय दिल्ली दे, की तरफ से मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं वो सारे के सारे उपन्यासों के ऊपर मिले हैं उपन्यास क्या है कि समाज में जो जो पोजीशन है जो दशा है उसको समाज के सामने रखना यही उपन्यास है इसमें संपूर्ण जीवन होता है और कविता को लिखने के लिए हमें को तैयारी नहीं करनी पड़ती जब हम उपन्यास को लिखते हैं उसके लिए तैयारी कर उसके लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है जी मानी मैंने राजा शोक के बारे में मैंने को बात करनी है या हिंदुस्तान के उन्नीस सौ के जो जलिया वाला हत्याकांड हुआ उसके बारे में पढ़ना है तो हमें बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़नी पड़ती हैं इतिहास के साथ हमें जुड़ा रहना पड़ता है उसके साथ साथ आध्यात्मिक जो ज्ञान है वो भी हमें जरूरी है कि वेद हैं उपनिष्ठ हैं गीता है रामायण है कुरान है बाइबल है कोई ऐसी पुस्तक नहीं है जो मैंने नहीं पढ़ी है और फिर उसके साथ साथ मैं एक शिक्षक रहा हूँ इतिहास का मैं विद्यार्थी रहा हूँ और इतिहास का मैं शिक्षक भी रहा हूँ और हिंदी में मैंने एम की है पर की है वो भी हमारे पास ज्ञान है जब आध्यात्मिकता की बात बात करते हैं आप और गुरु गुरु ग्रंथ साहब भी मैंने पढ़ा है तो ये सब जो नॉलेज है ये एक साहित्यकार के लिए बड़ा ज़रूरी होता है सिर्फ अपने देश के ही नहीं मैं हिंदू भी हूँ मैंने कुरान भी पढ़ा है और आपने जो मेरी धार्मिक पुस्तकें हैं रामायण है गीता है उपनिषद है वेद है मैंने उनके बीच में ही उतने ही मान सम्मान के साथ मैंने कुरान को भी रखा है तो कुरान में एक चीज बड़ी अच्छी लगी मुझे जी। वो थी कि हजरत मोहम्मद जी कहते हैं कि इलम को लिए इलम को हासिल करने के लिए बेशक हमें चीन तक जाना पड़े जी। तो इल्म हासिल करो और साथ में वो कहते हैं जब कुरान शुरू होता है तो वो कहते हैं कि कि जो कृपालु है, वो और करपालू है। मैं जब हजरत साहब के बारे में पढ़ा तो मुझे लगा कि जो कुरान के कुछ आयतें हैं जो कुछ उनके संबंध में मैंने पढ़ा वो तो एक पशु को जब उसे भूखा प्यासा होता उसके लिए भी वो करुणा में हो जाते थे नहीं इसे भूख लगी है इसे प्यास है इसे दो ये कट्टर था फिर कहाँ से आ गई <laughs> मोहम्मद गौरी की बात करते हैं जी। और मोहम्मद गौरी ने सतारहा बार सोमनाथ के मंदिर के ऊपर हमले किए लूट पाट की साड़ फूंग की और हमारी बच्चियों के साथ महिलाओं के साथ उसने क्या कुछ नहीं किया और जाने के बाद जो कुछ उसके सैनिक थे यहाँ की यहाँ की जो एक अमीरी देख करके चौमुखी विकास दे करके अन्न धन से भरपूर देश को देख करके कुछ यहीं टेके यहीं वो हिल मिल गए वो वो गए ही नहीं सो ये जो धरती है जी अपने आप में बेजोड़ है अनुपम है इसके बारे में कुछ कहना मेरे पास शब्द नहीं है कि भारत में क्या कुछ नहीं है जी 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 बिल्कुल जरूर आपकी कविताओं में से आगे की पंक्ति इस प्रकार है पर विज्ञान के यत्न में न आया कोई व्यविधान विज्ञानी जबकि हर देश को वधु भाव सिखाने वाला शैल सिंधु पर लोगों को घाटों में मिलाने वाला यान है देवों की तश्तरी रेल कार तेरे वरदान कल थी बात जो सपनों के संभव कर दिखलाए काम संसार देश का कोना कोना है नगर मुल्ला बना दिया मोहल्ला मोहल्ला बना दिया मुहला? आज इंग्लैंड जाना है अमेरिका जाना है, <laughs> है तो कभी सोच नहीं सकते थे और आज क्या है अब बैठो तो कल सुबह जाकर के आप इंग्लैंड पहुँच जाओ या जापान पहुँच जाओ ये एक विज्ञानिक ये विज्ञान का ये विज्ञान का तो चमत्कार है जी हाँ। उड़ने की सुविधा थी को नब में प्राणी उड़ा दिया टेलीविजन में देश विदेश के घर देखे कार्यक्रम इंसान टेलीफोन पर प्रिय बंधु से बातें करे घर बैठे इंसान ओ संख्या सुख हेतु हेतु भू का श्रृंगार करने हेतु कई वीरों ने प्राण गवाए कोई भी अनुभव जब प्राप्त होता है तो उसके लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है कृषि विज्ञान की बात करते हैं जी औषधि विज्ञान की मैं बात कर रहा हूँ मैं मुझे चंडीगढ़ जाने का जो जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है मैं वहाँ गया जी तो एक मित्र थे मेरे वो वहाँ पे स्टूडेंट थे मैंने कहा भैया यार जी उसने कहा कि यहाँ पर जो औषधियाँ बनती हैं और वहाँ पे खरगोश बिल्लियाँ रखी हुई थी चूहे रखे हुए थे वो सबसे पहले उनके ऊपर अपनी जो दवाएं बनाते थे अलग अलग बीमारियों के लिए पहले उन पे टेस्ट करते थे वो इंसान के ऊपर पहले टेस्ट नहीं होता है पहले जानवरों के ऊपर टेस्ट, उपर टेस्ट होता, है। होता है।, जी तो कई मर जाते हैं कई जानवर मर जाते हैं बिल्ली मर गई खरगोश मर गया कुत्ता मर गया बिल्ला मर गया तो कितनों के प्राण जाते हैं वो आदमी की सुरक्षा के लिए जो दवाई बन रही है उसमें कितनों के प्राण जा रहे हैं जब टेस्ट वर्ल्ड डेड बॉडी होती है जी तो डेड बॉडी को अपने ढंग से वो उसकी चीर फाड़ करके देखते हैं अंग क्या है आज लोग अपने नेत्र दान कर रहे हैं और कई अपना शरीर दान कर जाते हैं कि मरने के बाद मेरी जो बॉडी है जी मैं इस अस्पताल को मैं डोनेट करता हूँ उसका संस्कार नहीं होता डॉक्टर उससे अलग अलग उसके हिस्से निकाल करके उसके ऊपर टेस्ट करते हैं उस पर प्रयोग करते हैं जी और वही जो टेस्ट होते हैं वो आने वाले कल के लिए जो आने वाली पीढ़ी है उसके काम आती है और रात दिन वो बर कर रहे हैं औषधि विज्ञान के ऊपर कितने प्राण गवा रहे हैं इसका कोई हिसाब नहीं है और कई ऐसा भी होता है कि कोई आधा आधा अधूरा कोई टेस्ट रह गया तो माने के ऊपर जो उसका टेस्ट किया तो आदमी तो मरेगा ही मैं आपसे अभी यही कहने वाली था हां जी ऐसा भी हुआ है जी ऐसा होता है कि नई चीज को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ खोना पड़ता है पैसा खोना पड़ता है जाने खोनी पड़ती है तो ये औषधि की बात है कृषि की बात करते हैं कृषि विज्ञान को ने जब सन 1965 की बात है हिंदुस्तान के पास इतना अन्न नहीं था जी कि सबको अन्न मिलता और वो तीन वक्त वो खाना खा सकते हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था जय जवान कि अगर जवान खेतों के अगर किसान खेतों के बीच में हरियाली लाता है तो हमारा देश का जो भरण पोषण है वो बहुत बढ़िया होगा जिसे अन्न पूरा नहीं मिलता वो पूरी लड़ाई कैसे करेगा वो हर क्षेत्र में कैसे आगे निकलेगा और अगर सैनिक का अन्न भरा है उसकी जरूरतें पूरी हैं, उसके परिवार भी पूरा पीछे संतुष्ट है खाने पीने पहनने में तो सीमा पे जो खड़ा पर, खड़ा जो जो सैनिक है वो भी अपना दम खम के साथ सीमाओं की रक्षा कर, करता था तो कृषि को थे नेतागणों ने मैं पंजाब की बात करता हूँ लुधियाना में वहां कृषि यूनिवर्सिटी है और वो यूनिवर्सिटी उस समय के जो मुख्यमंत्री थे पंजाब के सरदार प्रताप सिंह कह रो वो अमेरिका के पड़े हुए थे उसने उसका निर्माण किया था और जितना अनाज सारा गांव निकालता था उतना एक छ सात एकड़ वाले किसान निकालने लगे थे डेरों के डेर लगे, हम बाहर भेजने लगे पंजाब की बात कर रहे हैं ये सिर्फ मैं एक पंजाब की बात कर रहा हूँ पंजाब बाद में ठीक है तीन हिस्सों में बंटा हिमाचल में छोटा सा पंजाब हो गया हरियाणा हो गया आज हरियाणा हमसे काफी दूर निकल गया है क्योंकि जब पंजाब में उग्रवाद आया तो पंजाब सुरक्षित नहीं रहा तो लोगों ने अपने जो कारोबार से मेटे फैक्ट्रियों से और और हरियाणा में आगे कुछ और आगे निकल गए कोई उग्रवाद जहाँ फैलता है जहाँ बद अमनी होती है व्यापारी तो वहाँ से निकल जाता है आपकी इस कविता में एक लाइन ये है उड़ने की सुविधा हाथी खग को हाँ। नब में प्राणी उड़ा दिया खग और नब ये दोनों कैसे जोड़ा आपने देखिए खग पक्षी को देख कहते हैं कि पक्षी जब उड़ता है उड़ता होगा उस समय तो आदमी के मन में ये होता है कि यार काश मैं भी उस तरह। हरमाइन की बात करते हैं कि हनुमान उड़ा था और लंका में पहुंचा था वहाँ से उड़ा फिर उधर आ गया कहते हैं कि जो उस समय के जो Uh, उनके पास ऐसी विद्या थी जो लंका वासियों के पास कि वो उड़ सकते थे होगा कुछ उनके पास ऐसा होगा जी। तो जो रावण था वो सीता को हरण के लिए उसके उस उसके पास पुष्प पुष्पिक विमान था वो विमान उसके मन की इच्छा की गति के अनुसार चलता था जितना लंबा चौड़ा चाहता उनका मन होता वो कर लेता था आज भी हमारे पास ऐसे जहाज़ हैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो बहुत गति से चलते हैं बहुत ऊंचाई पे चलते हैं ये को का चमत्कार है कि जो कल को यो सुविधा पक्षियों की थी वो मानव के पास है एक मोहल्ला बन गया है आज हर जो विश्व का कोना कोना एक मोहल्ला बन गया है हवाई जहाजों जी। से मैं अपने बेटे के पास जाता हूँ रात को बैठता हूँ दोपहर को शाम, शाम को उसके पास पहुँच जाता हूँ मैं सात समुद्र पार यूके है <laughs> जी। तो पता होता ये जहाज इतने बजा तो बेटा वहां पे आ, आ, हवाई जहाज पे जो एरोड्रम है वहाँ पे पहुँच जाता है मुझे रिसीव करता है दोपहर का खाना मैं उसके पास जाकर, जाकर के खाता हूँ <laughs> क्यों मोहल्ला नहीं हुआ तो क्या हुआ जी 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 मतलब एक मोहल्ले शब्द को आपने इतना एक बड़ा बना दिया हाँ। आगे आपका आपकी कविताओं की पंक्ति है मानव जीवन के सुख हेतु कंप्यूटर युग है ला रहा दुख तुम देखे जिस पहलू में करामती दीप जला रहा विज्ञानी मानव सुखदाता सुख सुविधा का यही है मूल सुखद बनाने मानव जीवन खोज मिटाए जीवन शूल सुखी बनाने मानव जीवन निज चैन से दिया जलाता अपनी खुशियां ओ अरमान सुख सुंदर लक्ष्य में तू, तू मानव जाति का गौरव तू है मानव का श्रृंगार तेरी कठिन तपस्या से हुआ है दुनिया का उपकार चाहे वो औषधि विज्ञानक है जी चाहे कृषि विज्ञानक है और चाहे कंप्यूटर बनाने वाला है चाहे मोबाइल बनाने वाला है चाहे रेडियो बनाने वाला है ये एक चमत्कार है मुझे याद है कि जब हम बच्चे हुआ करते थे तो मार्चस की डिबिया के दोनों तरफ हम दागा बांध देते थे <laughs> जी। एक उस कान से लगाता था दूसरा उस कान से लगाता था तो हम एक दूसरे को बोलते थे कि यार ये ये एक टेलीफोन है हमारा मैं जब जस्मा प्राइमरी स्कूल जहाँ था तो हरि सिंह नाम का चौरी था उसके घर में मैंने पहली बार मैंने रेडियो देखा था और वो जो रेडियो था वो बैटरी के ऊपर चलता था जी ऊपर बहुत बड़ी लंबी तार जैसे हम एरियर बोलते थे जी तो मैंने पहली बार रेडियो को चलते हुए देखा कि आवाज कैसे आती है इसके बीच में गाने वाले कैसे गाते थे यार आ कहाँ से रहा है रिकॉर्ड बजते थे और थे, रिकॉर्ड रिकॉर्ड देखते यार ये कैसे रहे विभाग के वाले के तो आते थे बड़ा से पीकर लगाया होता था तो उन्होंने तो सारे बच्चे खड़े हो जाते वहां पर देखते आगे तो रात को स्लाइडों से हमें स्लाइडों वाली तस्वीरें दिखाई जाती थी उसमें उस कि स्लाइडें आती थी एक आ गई दूसरी आ गई वो दिखाते थे कि हुक्का पीना शराब पीना जे करना वो करना ये अच्छी बात नहीं है तो हम अपने बापू पिता <laughs> कहते पिताजी आप भी अपना हुक्का छोड़ दीजिए कहते यार यही एक हमें ऐब है और तो कोई ऐब ही नहीं है घर का तो बापू हैं तो हुक्के पीने की उनको आदत थी <laughs> उसके बाद धीरे धीरे फिर क्या हुआ एक मुख सिनेमा आया तस्वीरें आ रही हैं बोल भी रही हैं किंतु शब्द नहीं है फिर ऐसा आया कि पंजाब में आ, पंजाब का जो कल्चर जिस समय पाकिस्तान बना पंद्रह अगस्त उन्नीस सौ को तो उसके ऊपर बहुत कुछ लिखा गया उसके दर्द को बहुत कुछ बयान किया गया और उसका जो इतिहास था उसमें कुछ ना कुछ फिर वो दिखाया जाने लगा फिर फिर बोला भी जाने लगा वो लोग जिन लोगों ने अपने घर छोड़े होते वो लोग उस समय उनकी आंखों में आंसू आ जाते कि हमारे घर रह गए हमारे यार दोस्त रह गए हमारे जो खानदान के खानदान मिट गए तो उनकी आंखों में आंसू होते थे ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਕਵਿਤਰੀ ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਅਜ ਆਖਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਹਮ ਅਜ ਆਖਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਐ ਇੱਕ ਇੱਕ ਧੀ ਮਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੂੰ ਲਿਖ ਲਿਖ ਮਾਰੇ ਬੈਨ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਧੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਕੀ ਵਾਈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ चाहे वो पश्चिमी पाकिस्तान था hmm. लोगों ने उसे हाथों हाथ लिया वो जो पोइम थी वो सब का जो दर्द थी सब ने उस दर्द को समझा कि चाहे पाकिस्तान बना चाहे हिंदुस्तान बना मरा कौन एक आम आदमी किसी नेता के बारे में इतिहास में ऐसा जिक्र नहीं है कि वो नेता मरा महात्मा गांधी ने बार बार लोगों को कहा पाकिस्तान बनेगा तो मेरी लाश के ऊपर बनेगा किंतु वो लोगों की लाश के ऊपर बना महात्मा गांधी जिंदा रहा वो अपने आप को कैसे सुरक्षित लेके आए वो लोगों के साथ मरते वो लोगों के नेता थे लोकनायक नायक थे लोगों के साथ को, को दस बीस मरते हम भी कहते ये नेता मर गए उन्होंने खुद को सुरक्षित किया और लोगों को आग में जेल दिया और सबसे पहली जो बात हुई जिसे मंद बागी कहा जाता है वो थी कि कुछ ऐसे सिर फिरे मुसलमान थे जिन्होंने लाहौर से हिंदुओं की लाशों को काट करके और रेलवे के पूरी जो रेल थी हिंदुओं के लाशों की वो वो अमृतसर भेजी थी जी जब हिंदुओं ने देखा तो उन्होंने वही फिर किस्सा उनको दोहराया जो मुसलमान चढ़ा है पुरुष बच्चा उसे काटा और फिर जो दूसरी जानवर रेल थी उसे बाहर भेजा ये लो हमारा ये जो आपने भाजी हमें दी है हाँ आप आपको वापस कर लो यार दोस्त जो थे जो इकट्ठे रोटी खाते थे जिनका मिलना जुलना सुख दुख जिनके सांझे थे hmm. वो पिछड़े एक दूसरे के मारने के लिए वो बैरी बन रहे थे और मैं अपने बड़े भाई श्री किशन चंद जी से पूछ रहा था इससे वो नब्बे के जो नब्बे माबरा है वो उसमें प्रवेश करके है तो मैं मैंने उनको पूछा कि उस समय पाकिस्तान का हाल बताइए कहता पाकिस्तान का हाल ये था कि जिन्ना ने इतनी आग लगा दी थी मोहम्मद जिन्ना ने कि लोग जो हल बनाने वाले थे जो तरखान लोग थे जो लोहार थे जी जी। उनसे हथियार बनाने उन्होंने शुरू कर दिए थे जैसे मुसलमानों ने बनाए हिंदुओं ने, ने बनाने शुरू कर दिया तो वो जो इस्तेमाल हुए एक दूसरे के ऊपर हुए यारों दोस्तों के हुए पड़ोसियों के ऊपर हुए तो क्या खो क्या हमने पाया क्या इंसानियत खो दी यार दोस्त खो दिए घर खो दिए और उधर से पाकिस्तान का पाकिस्तान की जो बांट कैसे हुई पाकिस्तान की बांट नक्शे पर हुई है वो रेड कलिफ नाम का एक वकील था जिसे गोरो ने जे जे पंजाब की बांड के लिए उसे कुछ और अपने अहलकार कर्मचारी अफसर दिए थे जी, जी, कि जहाँ मुसलमान ज़्यादा हैं वो हिस्सा पाकिस्तान को किया जाए साथ लगता जी, और जो हिंदुओं का है वो भारत, भारत को दिया, दिया जाए वो पंजाब वाले के साथ जो पश्चिमी है पूर्वी है साथ मिला दिया जाए तो उसने वो बांट करके नक्शे के ऊपर जे गांव जे नक्शा ऐसे होगा और वो एक हफ्ता पहले जहाँ से निकल गया था लंडन को निकल गया था कि जो मैं बाट करके गया हूँ अगर मैं यहाँ पे लोगों के ये आजादी का की घोषणा होने के बाद गया तो ये मुझे मार देंगे वो आठ दिन पहले ही निकल गया था रेड क्लिफ ने सिर्फ नक्शे के ऊपर उसकी बाट की थी आधारित तो रहा वो हाँ नक्शे के ऊपर आधारित और पहले एक बात और बताता हूँ कि पहले जो हद किसकी रखी गई थी रावी दरिया की रखी हद रखी गई थी तो रावी दरिया के साथ ही हमारा कौन पड़ता है नरोड जम से उस समय उस उस इलाके की आर्थिक राजधानी थे जी तो उन्होंने सोचा कि अगर तहसील पठानकोट का हम जे हिस्सा दे लेते हैं जो उस समय और जो कमेटी थी बांट करने वाली उस समय बांट के ऊपर विचार करने वाली उसमें मेहरचंद वो जज था जी। हाई कोर्ट का जज था जी। वो भी बीच में था और लाहौर हमारे बीच में था लाहौर हमें दिया गया था उसने सोचा कि अगर ये हम पठानकोट की तस्वीर आपको इस रंग से हम देते हैं तो ये जो कश्मीर है जम्मू कश्मीर है ये निकल जाए हमारे हाथ से देखा उन्हें फिर घोषणा हो चुकी थी मुस्लिम लोगों ने अपनी प्लानिंग बनानी थी कि ये लाला है ये जो जमीन है ये इसके हिस्से आएगी ये इसके हिस्से इसके हिस्से आएगी इसके हिस्से आएगी, इसके हिस्से आएगी। लोग तैयारियों में थे और साथ ही फिर घोषणा होगी कि नहीं लाहौर पाकिस्तान के रहेगा और हमारी हद जो है इंडिया की वो ये होगी तो ये हमारी तस्वीर पठानकोट बची और साथ में जो कश्मीर जम्मू और कश्मीर बचा <laughs> जी इतिहास की बातें लंबी चौड़ी बातें जी 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 मतलब आप इतिहास को काफी एक गहराई से जानते हैं। जितनी भी कविताएं मैंने आपकी पढ़ी और हमने देखी और जो भी हमें संदेश आपने दिया वो सब एक इतिहास के ऊपर ही आपने लिखा हुआ है देखो जब इतिहास की बात होती है तो इतिहास की बात करनी पड़ती है जब कल्पना की बात होती है अच्छा लगता लग है, है जब इतिहास की बात होती है क्योंकि इतिहास बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिनको हाँ। इतिहास के बारे में पता और खासकर जो अनुभवी व्यक्ति हमें सुनाता है हाँ। उसमें और भी सुनने में दिलचस्प पैदा होता है आगे की आपकी पंक्तियां हैं तुझसे जीवन सुंदरतम आई जीवन में बाहर नर नारी जीवन खींचा वाटिका में खिला दिया गुलजार तू कष्ट निवारक मानव का प्राणी को सुंदर है वरदान समर्थ देव तू धरती पर तुझसे निर्मित जग अभिराम जगत में तू अलमय रूप धन धन्य है तेरा काम लगन यतन से बन पाई है धरा जंगली स्वर्ग सम्मान तू विजय श्री का है स्रोत तू प्रकृति विजय वीर हो गई तुझसे सुंदरतम जंगली मानव सभ्य तस्वीर बुद्धि कौशल से है तूने मंगल चांद पर डेरे डाले सृष्टि रचयिता चिंता तुर सब कौन कौन है भेद संभाले <laughs> जी आज ईश्वर के लिए भी आज की चिंता है कि मनुष्य तो मेरे तक पहुंचाया है चंद्रमा जब मैं छोटा बच्चा था तो आज भी हम जो बच्चे हैं वो चंद्रमा को चांद को चंदा मामा कहते हैं हम भी चंदा मामा कहते जी मेरा चंदा मामा है माँ के साथ लेटा होता तो माँ को कहता माँ ये क्या है बेटा जी तुम्हारा मामा है ये चंदा मामा है माँ ये जो इसमें दाग है जे ये क्या है वो कहती बेटा यो चांद की माँ है ना इसके चरखा लगाए जे चरखा काट रही है अच्छा चरखा काट रही है हाँ पुत्र देख नहीं रहा तू जो ये चरखा है वो लगता ही ऐसे चरखे जैसा है उन्हें चलाया चरखा तो उनको चरखा ही लगेगा सारी उम्र माँ ने चरखा चलाया लोड़खा लोड़खा चलाया है और घर के सारे काम करती थी वो चक्की पीसती थी वो तो चक्की पीसते हुए क्या भजन गाती थी अगर आप कहो तो मैं दो लाइन जरूर बिल्कुल दो लाइने में सुनाता हूँ तो माँ चक्की पीसते हुए सुबह मंगल बेला में गाती थी वे वज राधे कृष्णा नहीं औणा बारम बार वे तेरी मिटे तृष्णा ते नहीं औणा बारम बार माँ जी गाती थी उस समय सो मुझे अच्छा लगता माँ कृष्ण की उपासक थी तो मुझे माँ से ही जो गुटी रूप में एक विरासत रूप में जे कृष्ण के पे प्यार जागा माँ उसके बारे में कुछ कहानियाँ सुनाती मुझे बड़ा अच्छा लगता है तो आज हिंदुस्तान ने चाइना ने चाहे अमेरिका ने जी। मंगल के ऊपर जाना था और मंगल जो ग्रह है वो हमारी धरती से सब नजदीक का ग्रह है तो हिंदुस्तान ने जितनी जितना एक गाड़ी चलती है एक किलोमीटर के हिसाब जितना उसका खर्च होता है उस हिसाब से इंडिया ने सबसे कम रेट के ऊपर दूसरे देशों की बनस्बत अपना राकेट वहाँ पे बेचा है राकेट भेजा चंद्रमा के ऊपर पहले राकेट भेजा अब दूसरा भेजा कि वो दक्षिणी हिस्सा जहाँ आज तक कोई जा नहीं पाया है किंतु को योग से वहाँ वो उतर नहीं पाया जी। जा कुछ ऐसा नुकसान हुआ जी। तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं साहस रखिए है, कोई बात नहीं आगे बढ़िए और एक पीछे इन्होंने राकट छोड़ा था उसमें मेरा ख्याल है कि 102 सौ दो राकट जो दुनिया के छोड़े थे और ठीक ठीक टाइम पे उन्हें पहुँचाती थी ऐसा दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं जिसने 102 सो दो छोड़े हों, एक ही जान में भेजे और सब अपने टकाने ठीक निश्चित समय पे उनको फिट कर दिया था विज्ञान को काम था। आज हिंदुस्तान रक्षा के क्षेत्र में आज मजबूत बना है रफाल आ रहे हैं जेगुआर हैं यहाँ जे। और अपने चाइना वाले हैं यहाँ से लगता है और खुद भी अपना इन्होंने बनाया है अपना भी इन्होंने जान बनाया है जो मेरा ख्याल है को 22300 तेईस सौ पर किलोमीटर के पर के एक घंटे के हिसाब से वो बाई तेईस सौ वो चलता है और पता नहीं कितनी उड़ान भर जाता है जी जी तो जी एक चमत्कार है एक उन्होंने अपना अर्जुन नाम का एक अपना टैंक बनाया है आज हिंदुस्तान हथियार खरीदने वाला ही नहीं रहा आज बेचने, बेचने वाला भी वाला बन रहा है जी, जी। इन्होंने कहा कि आइए हमारे देश के बीच में निर्माण करिए और वहां पे मोहर लगाइए मेड एंडिया और फिर हम कट्ठे मिलकर इसको बेचेंगे चाइना इसकी मदद, इसकी मदद रशिया कर रहा है अमेरिका कर रहा है ये एक बड़ी अच्छी बात है कि अपने देश में हथियार होंगे तो एक तो देश में हमारी जो आर्थिकता है लोगों को काम मिलेगा आर्थिक स्थिति मजबूत होगी हमारा पैसा बाहर नहीं जाएगा जो इतना जाता है लोगों को काम मिलेगा बेरोजगार नौजवान जो के हैं उनको काम मिलेगा हम्म हमारा पैसा बचेगा तो मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले समय में भारत अमेरिका की तरह रशिया की तरह फ्रांस की तरह ऑस्ट्रेलिया की तरह इसराइल की तरह ये समर्थ होगा और मेहमा बहुन होगा और इसके साथ ही साथ मेरी और मंगल कामना है कि जो हमारी न पीढ़ी है वो अपनी सभ्यता और संस्कृति को नहीं छोड़ेगी इसे बनाई रखेगी जे राम की धरती है जे कृष्ण की धरती है जय गौतम की धरती है शंकराचार्य की धरती है जे वेदों की धरती है उपधुषित की धरती है जय गंगा की धरती है जमुना की धरती है जे महान भूमि है और जे विश्व जे गुरु अगर दूसरे मामलों में जे गुरु है तो जे ज्ञान के मामले में अध्यात्म ज्ञान के बारे में भी जे गुरु बना रहेगा जैसे पहले ऐसी मेरी मंगल कामना है यशपाल शर्मा जी आपकी अभी ये चमत्कारी मानव वैज्ञानिक जो है अभी आधी अधूरी और रह गई है अगले एपिसोड में हम फिर से इसको जारी रखेंगे तब तक के लिए आपसे जाती हुई इजाजत नमस्कार नमस्कार मित्रों अभी ये कविता खत्म नहीं हुई और आप अगली कड़ी में से जरूर सुनने की कोशिश कीजिएगा अगली कड़ी में इसी कविता के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे तब तक के लिए दीजिए इजाज़त नमस्कार ओम शांति नमस्कार ओम शांति